जब से आरजेडी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम बनने का ऑफर दिया है, बिहार में सियासी उथल पुथल शुरू हो गई है। इस बीच बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने अपनी सरकार और नीतीश कुमार का बचाव किया है। रेणु देवी ने कहा है कि मेरा घर मजबूत है और इसे कोई नहीं तोड़ सकता। अरे भैया, ये सब बात कह तो रहते, बार बार कहते हैं कि मेरा घर मजबूत है, कोई तोड़ नहीं सकता है। और मेरे मुखिया मजबूत हैं, उनके लोग, उनके सभी जो साथ में है सब लोग, जब मेरा घर मजबूत है तो कौन तोड़ेगा। परेशानी क्यों है? वो तो उनका अपनी चिंता की बात करनी है कि उनको क्यों परेशान लगता है मेरे। नहीं 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 नहीं, उनको परेशानी, उनके पास कोई है नहीं, और वो सोचते हैं कि मुखिया हमारा जो है, मुखिया हमारे गार्जियन है। गार्जियन कभी थोड़े जाने वाले हैं, एनडीए के गार्जियन है। पीएम कैंडिडेट बनाने की बात तक कह रहे नीतीश कुमार, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में सरकार बनने के बाद से ही आरजेडी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन पर हमले करती रही है। इसकी बड़ी वजह ये है कि जेडीयू को बीजेपी से आधी सीटें मिलने के बावजूद सीएम की कुर्सी मिली है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन में इस विपरीत परिस्थिति का आरजेडी हमेशा से फायदा उठाना चाहती है। नीतीश को आरजेडी में शामिल होने और पीएम बनने का ऑफर देने के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक का भी बड़ा बयान सामने आया। श्याम रजक ने कहा कि जेडीयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, लेकिन दल बदल कानून को देखते हुए और विधायकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, बहुत जल्द ही वो संख्या पूरी हो जाएगी। बता दें, मंगलवार को आरजेडी के दो बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर देकर बिहार की राजनीति को गर्मा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें, तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्षी पार्टियां उनका समर्थन कर सकती हैं। साथ ही आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने कहा कि नीतीश जी, आपकी सहयोगी पार्टी भाजपा आपको परेशान कर रही है, आप बिहार की गद्दी का लोभ छोड़िए और केंद्र की राजनीति कीजिए। विजय प्रकाश ने कहा कि केंद्र की राजनीति करने में आरजेडी पूरी ताकत से नीतीश कुमार की मदद करेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।